हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एस ऑफ आई एस ऑफ पर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में और रोजमर्रा का काम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है इंडस्ट्री फोर के अंदर ये टॉपिक जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल लैंग्वेज में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेफिनेशन क्या होता है देखिए नॉर्मल जो हाउस होल्ड होता है नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम के साथ जब हम इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं तभी से ही कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे कि एक लाइट या फिर एक फ्रिज या फिर एक बल्ब के साथ जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तभी से ही कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका एकेडमिक डेफिनेशन क्या है इसका एकेडमिक डेफिनेशन थोड़ा जटिल है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज सिस्टम ऑफ इंटर एंड डिजिटल मशीन प्रोवाइडेड विद यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कि एक नॉर्मल लाइट या फिर एक नॉर्मल फैन या फिर एक नॉर्मल फ्रिज को अब इंटरनेट के साथ नहीं जोड़ सकते इसके लिए फैन या फिर लाइट या फिर फ्रिज के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए इसके साथ साथ एक सेंसर भी होना चाहिए

इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन क्या क्या होता है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंडलेस एप्लीकेशन हो सकता है जैसे कि कम्युनिकेशन फील्ड पर हो सकता है सेंसर पर हो सकता है एक्यूटर पर हो सकता है स्टोरेज पर हो सकता है डिवाइसेस पर हो सकता है प्रोसेसिंग पर हो सकता है लोकलाइजेशन एंड ट्रैकिंग फील्ड पर हो सकता है एंड आइडेंटिफिकेशन फील्ड पर हो सकता है नेक्स्ट हम देखेंगे एक बल्ब के अंदर कैसे एक आईओटी का एप्लीकेशन होता है देखिए एक बल्ब को हम टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं आईओटी को इस्तेमाल करके और बल्ब का जो ब्राइटनेस लेवल है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं ये भी हम मॉनिटर कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए एक फ्रिज को हम एक फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फिर फोन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्रिज का टेम्परेचर और फ्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ है ये भी हम देख सकते हैं और फ्रिज के अंदर कौन कौन सा चीज खत्म हो रहा है ये भी हम मॉनिटर कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए जो आईओ जो है आईओटी को एप्लीकेशन किया जा सकता है ड्राइवरलेस कार में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स का एक आर्टिकल है टेस्ला द पावर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हाल ही में टेस्ला कोशिश कर रहा है ड्राइवरलेस कार में आईओ का एप्लीकेशन करने के लिए नेक्स्ट देखिए स्मार्ट होम में आईओ एप्लीकेशन किया जाता है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट होम पर जैसे कि यहाँ पर देखिए सीसीटीवी को सीसीटीवी को कंट्रोल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं फिर जो लाइट है लाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे कहा जाता है डोमोटिक्स कहा जाता है तो एक लैटिन वर्ड है इससे ही आया है डोमोटिक्स तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सहायता से हम एक लार्ज एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं फोन के थ्रू नेक्स्ट देखिए द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है नॉर्मली ह्यूमन जो कमांड करता है वही पालन करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है

जैसे कि मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो ये लैपटॉप के अंदर एक आईपी एड्रेस है तो कोई भी टैबलेट कोई भी मोबाइल सबके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है ठीक है तो 1980 में में इसे खोजा गया था फिर 1981 में क्या हुआ 1981 में फोर डेवलप किया गया था मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्सन फोर यूज किया गया था ठीक है तो आई के अंदर 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस क्रिएट किया गया था फिर साइंटिस्ट को लगा और भी बहुत सारा आईपी एड्रेस चाहिए क्योंकि आगे जाकर इवोल्यूशन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक इवोल्यूशन इससे बहुत सारा मोबाइल लैपटॉप या फिर फोन क्रिएट हो सकता है इसलिए उन्होंने क्या किया इसलिए उन्होंने आई डेवलप किया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 तो आई डेवलप किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा तो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नेक्स्ट देखिए तो आई के अंदर ट्रिलियन अमाउंट ऑफ जो यूनिक आईडी है, किया गया था, हम जो है को और भी बहुत सारा से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि बैन होता है मतलब कि एक मतलब घड़ी हम पहन रहे हैं या फिर एक टी शर्ट हम पहन रहे हैं इसके अंदर यूज होता है बैन मतलब कि बॉडी एरिया नेटवर्क लैन होता है स्मार्ट होम में यूज होता है जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है वन है मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क

जो आईओटी टेक्नोलॉजी आएगा उसका नाम होगा एरिया नेटवर्क ठीक है नेक्स्ट देखिए जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है आगे जाकर जो आईओटी है ये एक इवोल्यूशन होगा तो इसलिए उनके द्वारा एक स्टेटमेंट निकाला गया है

यूएसटी फिफ्टीन मिलियन और इंडिया का शेयर था फाइव टू सिक्स परसेंट तो इसलिए भारत सरकार कोशिश कर रहा है एक आईओटी रेगुलेशन बिल आएगा तो इसके अंदर सब कुछ मेंशन रहेगा ठीक है तो यह है एंड ऑफ दिस वीडियो का प्लीज एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल